सालों साल अटकते काम पर गुड्डा की जनता की माथापच्ची, सरकारी लापरवाही पर गुड्डा की जनता परेशान। गुड्डा सदर प्रखंड नूनबट्टा पंचायत में आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। सालों पहले जनता की सुविधा के लिए करोड़ों का फंड दिया गया, जिससे पुल का निर्माण होना था। पुल तो बना लेकिन आधा अधूरा, जिससे लोगों को आवागमन में काफी समस्या हो रही है। दरअसल नदी में गुजरने के लिए सालों पहले एक पुल बनाया गया, जो नदी के बीच में आधा अधूरा बनाकर छोड़ दिया गया, जिसमें ना कोई अप्रोच पथ है और ना ही कोई अन्य साधन। लोग पुल के नीचे जान जोखिम में डालकर गुजरने को जैसे तैसे मजबूर हैं। बरसात के दिनों में आसपास के दर्जनों गांव पूरी तरह टापू में तब्दील हो जाता है। ऐसे में ग्रामीण की सुध लेने वाला कोई नहीं, और ऐसे उनके पास सिर्फ उनकी अपनी मेहनत ही मात्र विकल्प है। इसी मेहनत को आधार बनाकर ग्रामीण, युवा, बुजुर्ग, बच्चे सभी ने मिलकर रास्ते का निर्माण किया। पुल जो बगल में बना हुआ है, तो पुल तो कोई काम का नहीं, उधर पुल का कोई फायदा नहीं, इसमें चालू भी नहीं हुआ था। कब बना है पुल? दिन तो इतना डेट नहीं होता, तो बहुत दिन ही पहले बना है, लेकिन कभी पुल चालू नहीं हुआ। नहीं, लोग कैसे गुजरता है? तो इसी तरह क्या करेंगे, पानी हम लोग आर पार करते हैं। तो बरसात में पार हो पाते हैं? हाँ, क्या कीजिए, वही डूब डूब के पार होते हैं। अभी तक कोई पुल नहीं है। अच्छा, ये अपने मेहनत से पुल बना रहे हैं, कोई सरकारी योजना नहीं है? अपने मेहनत, सारे गाँव वाला मिल के बना रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये पुल अगर बनता तो कहाँ कई गांव जाता है, कहाँ कहाँ जाता है ये? यहाँ से तो रास्ता तो बहुत ही है, इधर से ननबट्टा भी जा सकते हैं, इधर से अग्यामोड़ भी जा सकते हैं। अभी कैसे जाता है लोग? तो वही इसी तरह घूम के इधर उधर से, यहाँ नहीं पार हो सकेगा तो फिर दूसरी जगह। वो गाँव जाने के लिए कोई रास्ता है दूसरा? रास्ता तो है, यही रास्ता है गया, मगर ये पुल के चलते मैंने बरसात के दिन में बहुत दिक्कत होता है। बरसात के दिन में कितना गाँव टापू टाइप का बन जाता होगा? हाँ, इधर भी बस्ती है, इधर भी है गांव, एक बरसा कट जाता होगा पूरा गांव। हाँ, कट जाता है। वो लोग उधर का है तो उधर से घूम घूम के जाता है, इधर का भी उधर से घूम घूम के जाता है, हम लोग इधर का जो इधर से हम लोग। अब मात्र 5 लाख रुपए में बने बायोडीजल पेट्रोल पंप के मालिक, जी हाँ, IBFC यानी कि इंडियन बायोडीजल कॉरपोरेशन लेकर आया है एक सुनहरा अवसर। अब आप भी अपने शहर या गांव में खोल सकते हैं बायोडीजल पंप और कमा सकते हैं कम लागत में ज्यादा मुनाफा। IBFC लेकर आया है सीधे आप तक स्वदेशी ईंधन। सभी डीजल गाड़ियों में इस्तेमाल के लिए बना ये स्वदेशी ईंधन है आम डीजल से 2 रुपए सस्ता, अधिक माइलेज, इंजन की लंबी उम्र के साथ प्रदूषण मुक्त है इसकी खासियत। तो बिना देर किए जुड़िए IBFC के साथ। पंप लगाने या अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 7766900701 पर। देश दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें एक्सप्रेस न्यूज, और नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।